नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मैथ नंबर वन पर। आज हम बात करेंगे चैप्टर फाइव, और चैप्टर फाइव का ये टॉपिक है मापांक। पिछली वीडियो में मैंने मापांक कैसे निकाला जाता है इसका मैंने जानकारी दिया है। इस वीडियो के माध्यम से मापांक कैसे निकाला जाता है एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो चलिए सिखाते हैं कि मापांक निकाला कैसे जाता है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और ऐसी वीडियो आप हमेशा चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। इस चैनल पर क्लास वन से लेकर के टेंथ तक मैं टोटल वीडियो मैथ का दे दिया हूँ। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि वन माइनस आई रूट थ्री का मापांक क्या होगा, माइनस रूट तीन आई का मापांक क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग जेड बराबर लिख लेते हैं। जेड बराबर अब मापांक क्या होगा, तो इसका दोनों मॉडुलस ले लेंगे, मोड निकालेंगे तो हाई एक्स का काम कर रहा है वाई का, तो एक्स स्क्वायर और प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर, तो वाई के जगह पर माइनस रूट तीन हो जाएगा, तो वन का वर्ग वन होगा। रूट तीन को स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तीन हो जाएगा, तीन एक चार, चार का वर्गमूल दो, यही तो मापांक होता है, यही मापांक होता है। अगला देखिए, इसी तरह से यहाँ पे देखिए, तो इसको जेड बराबर मानना है, इसको हम मापांक निकालना है तो दोनों तरफ मोड ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यानी वाई के जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, इसका करेंगे स्क्वायर तो तीन होगा, इसका करेंगे तो एक होगा, तीन एक चार, इसका चार का वर्गमूल कितना होगा, दो। तो इस तरीका से आप जो है इस मेथड का प्रयोग करके आप कोई भी सवाल का मापांक जो है आराम से निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए।